75 शीट में पहला क्वेश्चन साफ पता लग रहा है वेव फ्रंट पे है आपको। ये डायग्राम आता है हाइगेंस प्रिंसिपल पे, हमने वेव फ्रंट रिफ्रैक्शन के अंदर किया था प्रूफ। इसमें अगर मैं बड़ा करूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है थीटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है फाइव। मैंने थ्योरी में कराया था आई और आर, इसने थीटा और फाइव ले लिया। क्या कह रहे हैं, इस फिगर को देखते हुए क्या निकाल लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकाल लो क्या होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली यहां पर क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है यहां तक, साइन थीटा बाय साइन फाई। साइन थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है, बी डी डिवाइडेड बाय ए डी। और साइन फाई की वैल्यू क्या है, ए सी डिवाइडेड बाय ए डी। ए डी कैंसल, तो म्यू क्या आएगा, BD डिवाइडेड बाय AC। क्लियर है, ऑप्शन मार्क कर लेना, BD डिवाइडेड बाय AC इज दी आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बीटा और छोटे डी के बीच में रिलेशन बताना है। तो जो बीटा होता है वो क्या होता है, बीटा होता है लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। तो बीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का ये ग्राफ है। क्लियर है यहां तक, सीधा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर आपको दो वेव्स गिवन है, एक A1 cos ओमेगा टी और एक A2 sin ओमेगा टी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी आफ्टर इंटरफेरेंस, जब इंटरफेरेंस होगी तो दोनों को इक्वेशंस को हम कंबाइन कर लेंगे, कंबाइन करके ये आंसर आ गया। तो मैंने क्या सिखाया था, इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या किया था, अंडर रूट ऑफ क्या, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। पर आपको तो इंटेंसिटी निकालनी है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आएगा, कोई डाउट इसमें, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये गिवन है, दो लाइट्स हैं, दोनों की वेवलेंथ क्या है लैम्डा। फर्स्ट रे ट्रेवल द पाथ L1 जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 कर लेना, N1 तो L1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक स्लैब में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है N1। उसी तरीके से सेकेंड रे L2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है N2। तो आपको क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है। एक बात बताओ, पहली स्लैब में जब वो पास करेगी तो लेंथ कितनी ट्रेवल करेगी, N1 L1 ऑप्टिकल पाथ, N1 L1 वैक्यूम के इक्विवेलेंट। और सेकेंड स्लैब में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, N2 L2 वैक्यूम के अंदर, तो दोनों डिस्टेंसेज वैक्यूम के अंदर है, तो N1 L1 N2 L2। तो ये क्या आ गया मेरे पास, पाथ का डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस। तो अगर ये पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होता है, 2π/λ से मल्टीप्लाई, क्योंकि फॉर्मूला है क्या कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो पाथ डिफरेंस कितना है N1 L1 N2 L2, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, इन्हें क्या करना है मल्टीप्लाई। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है कि इस सेटअप के अंदर दो स्लिट्स हैं S1 S2 और आर नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम स्लिट S। नॉर्मली YDSC में ये दूरी पीछे से जो सोर्स, एक सोर्स होता है, दो स्लिट्स होती हैं, तो नॉर्मली ये जो दूरी होती है वो क्या होती है, एकदम बराबर होती है, नॉर्मली ये दूरी बराबर होती है। कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, तो ये दूरी बराबर, क्या ये दूरी बराबर नहीं है, अगर ये बराबर होती और ये सेंट्रल पॉइंट होता तो फिर ये वाला और ये वाला पाथ क्या होता, पाथ डिफरेंस जीरो, तो यहां पर क्या आता मैक्सिमा, अगर बराबर होता। तो अगर बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो पाथ डिफरेंस क्या बनेगा, अब दिस प्लस दिस, तो नीचे का डिस्टेंस माइनस ऊपर का डिस्टेंस, यहां पर क्या आएगा पाथ का डिफरेंस। क्या है पॉइंट, क्लियर है, नीचे का डिस्टेंस माइनस ऊपर का डिस्टेंस इज पाथ डिफरेंस। अब ये क्या होगा मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि यहां पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमा या मिनिमा डिपेंडिंग अपॉन पाथ का डिफरेंस।
समझ में आ रहा है, आगे से तो पार्ट डिफरेंस जीरो है, पीछे से ना जीरो, जीरो नहीं है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकता। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर सिक्स, टू वेव्स हैं एस वन एस टू से दो वेव्स आ रही हैं, हैविंग जीरो फेज डिफरेंस एंड कॉमन वेवलेंथ लैम्डा, शो कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पी, जब पाथ डिफरेंस क्या होगा? देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है बोलो, टू एन माइनस वन इंटू लैमडा बाई टू। आप मुझे एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव पुट करो, आपका एक ही आंसर मैच करेगा, इलेवन बाई टू लैमडा, बाकी मैच ये तो हो नहीं सकता, इवन है, एन लैमडा हो नहीं सकता क्योंकि एन लैमडा तो मैक्सिमा की कंडीशन है, टू लैमडा भी नहीं हो सकता, ऑड मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, ऑड मल्टीपल तो यही बनाना सिर्फ आंसर, लैमडा बाई टू का ऑड मल्टीपल चाहिए हमें। क्लियर है? तो मिनिमा की कंडीशन तभी आएगी। क्वेश्चन नंबर सेवन, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम हमने की थी एनसीईआरटी की शीट में, तो ऐसे क्वेश्चंस किए थे, कह रहे दो स्लिट्स 2 mm अपार्ट है, क्या ये बने छोटा डी, दो वेवलेंथ्स ली एक बड़ी और एक फिर छोटी, एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, याद करो लीस्ट डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस वर्ड यूज किया था, ताकि स्क्रीन कैपिटल डी 2 meters अवे है, ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम वन इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड विद ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम दी अदर, तो एक ब्राइट फ्रिंज दूसरी ब्राइट फ्रिंज के साथ क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो इसमें अगर कोई पॉइंट पी है और आपने लैम्डा वेवलेंथ यूज की 10,000 12,000, तो उस पॉइंट की दूरी कितनी है, एन लैम्डा डी बाई डी, उस पी पॉइंट की दूरी इसके इक्वल है। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं लैम्डा को चेंज कर देता हूं, दूरी वही रखनी है, पॉइंट वही है, पर क्योंकि लैम्डा चेंज किया तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस वहां पर चेंज हो जाएंगी। अब कौन सी ब्राइट आएगी, एन प्लस वन भी आ सकती है, एन प्लस टू भी आ सकती है, एन प्लस थ्री भी आ सकती है, डिस्कस किया था हमने, और मैंने कहा था लैम्डा क्योंकि कम हो रहा है, क्योंकि लैम्डा कम हो रहा है तो एन बढ़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू एक्स की वैल्यू रिमेन्स सेम, पॉइंट तो शिफ्ट ही नहीं किया हमने, और उसने लीस्ट डिस्टेंस बोला तो एन प्लस टू नहीं हो सकता, एन के बाद क्या नंबर आएगा, एन प्लस वन, ये डिस्कशन हुई थी कि हमने एन प्लस वन का केस ही लेना है क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस की बात हुई थी, दोनों एक्स की वैल्यू को हमने क्या कर दिया इक्वेट, सारी वैल्यू पुट करके एन आएगा, एन में एन की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दो, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि दोनों में हमने एक्स की वैल्यू को एग्जैक्टली क्या लिया, सेम लिया, पॉइंट नहीं हमने चेंज किया, सेंटर पॉइंट से, सेंटर के पॉइंट से, ठीक है, सेंटर के पॉइंट से पी को नहीं चेंज किया, लैम्डा चेंज कर दिया, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो गई इसमें, चेंज हो गई। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, एन आएगा तो एक्स कैन बी कैलकुलेटेड, याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी में। फिर क्वेश्चन नंबर 8, YDSE एक्सपेरिमेंट में आपको दो स्लिट्स की बने S1 S2 ये रही एंड C सेंटर है ये रहा, अगर एंगल S1 C S2 टोटल थीटा है तो आधा कितना हो गया, थीटा बाई टू एंड थीटा बाई टू, क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है, नहीं लैम्डा वेवलेंथ है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है। तो दो स्लिट्स में दूरी क्या होती है, छोटा डी, स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल डी, तो इस ट्राइंगल में टैन थीटा बाई टू किसके इक्वल है, स्मॉल डी बाई टू डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, कर सकते हैं, तो टैन थीटा की वैल्यू टैन थीटा बाई टू स्मॉल डी बाई टू बाई कैपिटल डी, एंगल छोटे होते हैं तो टैन थीटा बाई टू कैन बी रिटन एज थीटा बाई टू, टू से टू कैंसल, छोटा और बड़ा डी की रेशियो आ गई, पर हमने क्या निकालना है, बीटा, बीटा क्या होता है, लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी, रेशियो छोटे और बड़े डी की गिवन है, बड़े और छोटे की 1/थीटा आंसर, तो लैम्डा बाई थीटा इज द आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे मॉडिफाई होगा बीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, क्लियर है यहां तक? ये कोहरेंट और इनकोहरेंट याद है एनसीईआरटी में किया था, कोहरेंट सोर्सेज में तो रिजल्ट आई मैक्स क्या होता था, I1 + I2 का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पर इनकोहरेंट में I1 + I2 ऐड करते थे, तो ये होमवर्क लिखो, इस क्वेश्चन को देखो,